भारत की कम्युनिस्ट पार्टी CPIML ने बैंकों की मनमानी के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ठेला फेरी वालों को रोजगार चलाने के लिए उनके पथ विक्रेता कार्ड पर 10,000 रुपए लोन दिया जाएगा, लेकिन मुरादाबाद के बैंक उन गरीबों का उत्पीड़न कर रहे हैं। वे गरीब बैंकों की लाइन में लगकर मायूस होकर आ जाते हैं। सरकार की इस योजना को मुरादाबाद के बैंकों द्वारा फेल कर दिया गया और ये सरकार की योजना मात्र कागजों में सिमट कर रह गई। इसके अलावा कोरोना काल में गरीबों के खातों में 1,000 रुपए डाले जाने की घोषणा भी बेअसर साबित हुई है। किसी के खाते में भी 1,000 रुपए नहीं डाले गए। ज्ञापन एवं प्रदर्शन के विषय में जानकारी देते हुए जिला प्रभारी रोहिताश राजपूत ने सिटी चैनल संवाददाता को बताया, आज हमारा प्रदर्शन जो नगर निगम द्वारा पथ विक्रेताओं के पंजीकरण किए गए थे, उनको कार्ड बना करके दिए गए थे। उन कार्डों पर लोन की सुविधा गवर्नमेंट ने दी है कि 10,000 रुपये उन पंजीकृत पथ विक्रेताओं को दिया जाएगा और वो उससे अपना सामान खरीद करके अपना रोजगार चलाएंगे। लेकिन यहाँ मुरादाबाद के अंदर तमाम बैंक, जो इलाहाबाद बैंक है, बड़ौदा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, ये तमाम बैंक उन मजदूरों को चक्कर कटवा रहे हैं। किसी को भी वो लोन नहीं दे पा रहे हैं और उनको रोड डालते रहते हैं। मजदूर अपना काम छोड़कर दोपहर तक लाइनों में लगा रहता है और उसके बाद कह देते हैं अभी कुछ नहीं हो रहा। दूसरा, सरकार की योजना थी कि पथ विक्रेताओं के खाते में 1,000 रुपया हम डालेंगे और अभी तक वो आपदा का भी 1,000 रुपया उनको नहीं दिया गया। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो धरातल पर नहीं है, केवल कागजों तक ही सिमटी हुई है। कागजों में ये योजनाएं चल रही है। आज हम उन योजनाओं का विरोध कर रहे हैं और DM साहब को ज्ञापन दे रहे हैं कि इस पर जो है तत्काल कार्रवाई। इस मौके पर वचन सिंह, नूर सबा, मोहम्मद आलम, अनीता, पिंकी एवं मन्नू सहित अन्य पदाधिकारी भी शामिल रहे।